नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे UHV यानी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का चैप्टर 1 के टॉप सबसे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और चैप्टर 1 में से तो इन एग्जाम्स की जो प्रोबेबिलिटी है आने की वो 100% से भी ज़्यादा है। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज। दोस्तों इसमें ह्यूमन वैल्यूज और एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर पूछा जाएगा क्या होती है नीड। तो अगर आप ह्यूमन वैल्यूज को एक अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की पूरी जानकारी, मतलब नीड क्या है, प्रोसेस क्या है, बस ये दो चीज बहुत ज्यादा मेनली इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस करना है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद डायग्राम। डायग्राम जरूर बनाना है आपको और साथ में ही प्रोसेस बताना है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेसिक एस्पिरेशंस ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है पिछले 10 ईयर्स में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, बेसिक एस्पिरेशन में भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर SBDD, SSDD, SSSS, एक S यहाँ पे मिसिंग है तो उसको मैं बाद में, एक मिनट में प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो SSSS, इन तीनों के फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए, प्लस इनका एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है अगर आप चाहें तो याद कर लें। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। फिर व्हाट इज हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों प्रॉस्पेरिटी न जाने कितने बार 2 नंबर में आया है और लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए आया है, तो जरूर है प्रॉस्पेरिटी को तो जरूर देखिएगा, हैप्पीनेस भी देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पीनेस क्या होती है, अगर हैप्पीनेस आती है तो अनहैप्पीनेस उसी का उल्टा होता है। फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बेसिकली नेचुरल एक्सेप्टेंस पूछा तो कम जाता है बट आप पढ़ के जरूर जाइएगा, पूछा कम जाता है नेचुरल एक्सेप्टेंस बट चांसेस हैं कि आ जाए। और दूसरा है फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी बताया है इंपॉर्टेंट है और नीचे भी बताया है, इसलिए ये क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। और 2 बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब यही क्वेश्चन जो ऊपर यहाँ पे रिपीट हुआ है, बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, तो वही यहाँ पे हुआ है। दो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलते जुलते आ रहे हैं, टॉपिक सेम आएंगे और बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस पूछा जाता है, तो मेनली आपको इन सब क्वेश्चन पे फोकस करना है। 100% व्हाट डू यू मीन बाई वैल्यूज, ये क्वेश्चन आएगा या तो 2 मार्क्स में या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आना ही आना है। तो ये तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जल्दी ही आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इन सब की शॉर्ट नोट्स चाहिए, अभी मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं तैयार की है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं, सब्सक्राइब कर लो स्मार्ट इंजीनियर बाबू को, चलते हैं।